अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं कि हमने अब समाचारों का शुभारंभ भी कर दिया है और इसी श्रृंखला में आज जो समाचार हम आपको देने जा रहे हैं उससे आपको एक प्रकार की संतुष्टि भी मिल सकती है, कम से कम बीजेपी के समर्थकों को संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन महागठबंधन और कांग्रेस यानी यूपीए के जो समर्थक हैं उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है। जी हां, पोल ऑफ पोल यानी जो सभी चैनल और सभी जो एजेंसियों ने पोल किए हैं उसमें बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। सी वोटर सर्वे का परिणाम 267 बीजेपी प्लस एनडीए, 142 कांग्रेस प्लस यूपीए और महागठबंधन 134। इसी प्रकार से इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे हुआ है उसमें बीजेपी एनडीए को 275 सीटें, कांग्रेस यूपीए को 147 और गठबंधन दल को 121 सीटें मिली हैं। तो इस प्रकार सीडीएस और लोकनीति का जो सर्वे है उसके अनुसार बीजेपी प्लस एनडीए को 273 सीटें, कांग्रेस प्लस यूपीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 121 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सर्वे के परिणाम हैं और इस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अंतिम जो परिणाम है वो 23 मई को आएंगे और 23 मई को ही भारत की जनता ये निर्णय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। क्या राहुल गांधी के 72,000 रुपये के जो योजना है आर्थिक, उस पर निर्णय देगी जनता या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित के मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन देगी जनता, ये देखना अभी शेष है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो हम आपको दे रहे हैं और इसमें हमने सभी जो भी एजेंसियां आई हैं उसके जो परिणाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आपको एक बार और जानकारी देंगे कि जहाँ एक और राष्ट्रीय हित को बीजेपी ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया है, वहीं कांग्रेस ने एक तरह से आर्थिक प्रलोभन देने का प्रयास किया है और जहां बीजेपी ने धारा 370 को हटाने की बात फिर दोहराई है, वहीं कांग्रेस ने देशद्रोह की धारा समाप्त करने का ऐलान किया है, घोषणा की है। तो चुनाव में जब आप मतदान करेंगे तो इन विषयों पर भी आप प्रमुखता से ध्यान देंगे कि क्या आपके हित में है और क्या आपके हित में नहीं है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि 3 बजे हम आपको एक और जो है पोल सर्वे का परिणाम बताने जा रहे हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस दल के प्रत्याशी को पीएम पद के लिए भारी समर्थन मिला है। क्या श्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए अधिक मत मिले हैं या फिर राहुल गांधी को या फिर तीसरे जो महागठबंधन है उसके नेताओं को, इसका परिणाम हम आपको बताएंगे 3 से 4 के बीच में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारा चैनल अखंड मंथन। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। हमें आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। नमस्कार।